राजनीति देख रहे हैं, कई बार वोट भी दिए हैं, क्या इस बार आपको लगता है बदलाव? इस बार बदलाव बिल्कुल साफ साफ है, बस दो ही आवाजें हैं अभी इस देश में और इस बेगूसराय में। एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांट करके रखें, और एक तरफ जो है जनवादी मूल्य और लोकतांत्रिक और मानवतावादी विचारधारा के जो लोग हैं और उसके रहनुमा कन्हैया कुमार हैं, इसीलिए जनवादी मूल्यों और विचारों की जीत सुनिश्चित है। इस बार हम लोग हर दल की दीवारों को तोड़ करके सब एक हो चुके हैं, और ना कोई हिंदू रहा, ना कोई मुस्लिम रहा, ना कोई कुछ भी रहा, सब है कन्हैया। बस इतना तो कन्हैया जीत रहा, कन्हैया का जीतना श्योर है। अगर कोई अनहोनी है, कोई ईवीएम के वगैरह से भय कुछ और भी हो तो नहीं कहा जाए, लेकिन फिर भी कन्हैया का जीत सुनिश्चित है और हम लोग उसके जीत को सुनिश्चित करेंगे। हम लोग को मौका मिलेगा। बोले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के यहाँ पर नाम पर वोट पड़ेगा पूरा देश में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देश में। बेगूसराय में क्या पड़ेगा आप ये बोले? बेगूसराय में भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ेगा। तो गिरिराज सिंह को इस बार अच्छा वोट मिलेगा, उम्मीद करते हैं आप? जी हाँ, गिरिराज सिंह को वोट मिलेगा क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के झंडावरदार सबसे बड़े वही हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार तो गिरिराज सिंह को उस वोटरों से की उम्मीद वोट कम है जो पहले कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, और मुसहर समाज के लोग हैं, चाहे कुशवाहा जो पिछली बार चुनाव में थे। नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर चल रहा है पूरा देश में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर पूरा देश में वोट पड़ेगा अधिकतर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुकुल कुमार। कहाँ घर हुआ? राजबारा। आप बोलेगा, महाभारत के रण क्षेत्र में जिस तरह से एक कन्हैया भारी पड़ गए थे, आप यहीं रखिए ना इसको, उसी तरह से संसदीय महाभारत जो हो रहा है उसमें एक कन्हैया भी भारी पड़ेगा। ये तो एकदम तय है, बेगूसराय की जनता मन बना ली है कन्हैया कुमार इस बार भारी मतों से विजय करेंगे। क्या लगता है आपको कन्हैया के में अंतर और कैंडिडेट में? और सब कैंडिडेट जो है, जो जितने भी सरकारी चीजें हैं उनको प्राइवेटीकरण करने जा रही है, जो केंद्र के रेलवे बजट था उसको प्राइवेटीकरण करने जा रहा है सरकार, बड़े बड़े ठेकेदारों को हाथ में प्राइवेटीकरण करके संस्था को बेच रहा है, और बेरोजगार युवा है सड़क पर मजबूरी में, ठेकेदार के अंदर 5,000-4,000 की नौकरी करने को मजबूर है। इसलिए हम लोग उस दल से बिल्कुल नाखुश हैं जो सरकारी संस्था को बिल्कुल अपने प्राइवेट चंगुलों में बेच करके उसको हम लोग को बेरोजगार को 5,000 में काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए हम उनके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूँ। तनवीर साहब भी एक कैंडिडेट हैं, गिरिराज सिंह, आपको क्या लगता है? तनवीर साहब अगले बार पूर्ण रूप से बहुमत में आए थे, सभी मिलकर के आरजेडी कांग्रेस उनको वोट दिए थे, फिर भी मुसलमानों को वोट से भी सब नहीं निकल पाए थे, इस बार उनका कोई इस बार मौजूदा नहीं है। तो क्या लगता है कि अभी मुसलमान वोट में सिंधमारी का नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं, 19% उसको अपना दे रहा है, अल्पसंख्यक से लेकर के सभी तबके के लोग दे रहा है। कितना वोट मिल जाएगा अल्पसंख्यकों का? इस बार 100% उसको वोट मिल रहा है अल्पसंख्यक का भी, कन्हैया को। बिल्कुल, तो उम्मीद किया जाए कि बिल्कुल उम्मीद किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधा रमन हुआ।